किसने हटवाया इश्की पर लगा हुआ बैन? क्या करेगा राजवीर जब उसे इस शख्स के बारे में पता चलेगा? इश्की जब उठी तो उसने देखा कि राजवीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। उसने पीछे से जाकर उसको अपनी बाहों में भर लिया। राजवीर ने भी पलटकर इश्की को अपनी बाहों में भर लिया। इश्की, बॉक्सिंग में लगे इल्जाम से तुम्हें इनोसेंट साबित करने के सारे प्रूफ्स जैसे कहीं गायब हो चुके हैं, और वो आदमी भी जिसने ये सब किया पता नहीं कहाँ चुप कर बैठा है। खैर मैं लॉयर से बात करके तुम्हारे बैन को हटाने के लिए अपील फाइल करवाता हूँ। इश्की की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो भागकर मिशा के पास गई और बोली, मिशा मिशा मिशा, मैं फिर से बॉक्सिंग कर सकती हूँ। क्या सच में? हाँ यार, राजवीर वाकई कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ समर हाफता हुआ राजवीर के ऑफिस में आया। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सर, कल जब मैं बॉक्सिंग फेडरेशन के ऑफिस गया था तब वहाँ तंश भी था, और आज हमारे कुछ करने से पहले उसने मैम पर लगे बैन को हटवा लिया। गुड, हम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। तंच ने तो हमारा काम आसान कर दिया, हम करें या वो, फायदा तो इश्की का ही है ना? पर सर, तंच का मैम के मैटर्स में इतना इन्वॉल्वमेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजवीर को इश्की की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, पर समर की बात पर चिंता भी जायज थी। वही इश्की और मिशा जैसे ही कॉलेज पहुँचे तो एक ब्यून ने उन्हें रोका। इश्की, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ये सुनकर इश्की ने मिशा को सवाल भरी नजरों से देखा। प्रिंसिपल के ऑफिस में इश्की ने देखा कि तंश कपूर उनके सामने ही बैठा हुआ है और उसे ही देखे जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब इश्की ने प्रिंसिपल से उसको वहाँ बुलवाने की वजह पूछी। हाँ इश्की, दरअसल मिस्टर कपूर को तुमसे कुछ बात करनी है। आपको आपको क्या बात करनी है? जब मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की फाइल देख रहा था तो मालूम पड़ा कि आप एक बॉक्सिंग प्लेयर हैं, और मैंने भी काफी बॉक्सिंग की है, तो मुझे आप पसंद आ गई। मतलब? I mean as a sportsman, लेकिन फिर मुझे पता चला कि किसी और की साजिश की वजह से आपको बैन कर दिया गया था, और मैं किसी के टैलेंट को वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने आपके ऊपर लगा हुआ बैन हटवा दिया है। नाउ यू आर फ्री टू प्ले इश्की। इश्की ने अपनी खुशी को कंट्रोल किया और तंश को थैंक यू बोलकर निकल आई। तंश ने तभी उसकी नेक पर लव बाइट का निशान देख लिया। वो गुस्से से बौखला उठा। उसने तभी के तभी देव को फोन लगाया। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इश्की का बॉयफ्रेंड भी है? यहाँ इश्की ने सारी बातें आकर मिशा को बता दी। वो भी तंश से इम्प्रेस हो चुकी थी। अरे मिशा, वो रोज भेजने वाले का कुछ पता चला? नहीं यार, रेहान ने बहुत कोशिश की, पर वो ड्राइवर जिसने रोजेस दिए वो कौन था, किसका ड्राइवर था, कुछ मालूम नहीं लग पाया। चल अब छोड़ उसे। इश्की आज सबको अपने हाथों से बना खाना खिलाना चाहती थी। ये बात सुनते ही सारे शेफ शॉक्ड हो गए। हालांकि उसने राजवीर के लिए एक बार ब्रेकफास्ट जरूर बनाया था, पर डिनर? मैम आप ये सब छोड़िए और बताइए कि आपको क्या खाना है। इश्की तो जैसे ही मानने को तैयार ही नहीं थी, तभी वहाँ मिशा आई, और जैसे ही उसने उनकी बातें सुनी तो वो इश्की को छेड़ने लगी। इश्की ने मिशा की बात को इग्नोर करते हुए अपना काम शुरू कर दिया। तभी कोमल भी वहां आ गई और इश्की और मिशा को देख चौंक गई। बेटा तुम ये सब क्यों कर रही हो? आंटी प्लीज, आज मुझे सबके लिए खाना बनाना है। मिशा तभी खिसियाते हुए बोली, सीरियसली तुम्हारे हाथ का कुछ भी खाना सुसाइड करने जैसा होगा। मिशा की बात पर इश्की बुरी तरह से चिढ़ गई और उसने आलू उठाकर उसको मारा, लेकिन मिशा नीचे झुक गई और आलू जाकर मिहिर को लग गया। आउच, ये क्या है? तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? लेकिन इश्की ने मिहिर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फिर वो एक अंडा उठाकर मिशा को बोली, अब बचो इससे। कौन था वो जिसने इश्की को रोजेस भेजे थे? क्या है तंश का इरादा और क्या होगा जब इश्की खाना बनाएगी? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और डेविल से शादी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।